क्या आप रेडी हैं एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपको रात के सन्नाटे से लेकर सुबह की पहली किरण तक, हेल रोड से लेके ड्रीमी पाथ तक ले जाएगी? ये सफर है कॉन्ट्रास्ट का, हरे भरे पहाड़ों से बैरन लैंडस्केप तक, ऐसे रास्तों से जहां हर मोड़ एक नया थ्रिल और हर पहाड़ी एक नई कहानी सुनाती है। इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा एक ऐसी जगह पर जो हर ट्रैवलर के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, स्पीति वैली। जहां रास्ते ने हमारी एंड्योरेंस को टेस्ट किया। इस जर्नी में आपको हर वो एक्सपीरियंस मिलेगा जिसे मैंने जिया है। चट्टानी पहाड़, अनोखी घाटियां, चीचम ब्रिज का थ्रिल और की मोनेस्टी की वो शांति जो दिल को गहराई से छू जाती है। ये कहानी फास्ट फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक झलक है उस पूरी कहानी की जो इस वीडियो में धीरे धीरे अनफोल्ड होगी। तो देर किस बात की, बकल अप गाइस। स्पीति की इस एडवेंचर फिल्ड जर्नी में ट्रैवूश के साथ आप भी हमारे हमसफर बने। रात से लेकर सुबह तक, हेल रोड से लेकर स्मूथ पाथ तक, रेडी टू स्टार्ट, लेट्स गो। एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। ऐसे टोटल 4 एपिसोड्स आएंगे और ये एपिसोड है हमारा मनाली में स्टे कैसा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज द नेक्स्ट डे और हम लोग बस अभी उठे अराउंड 8:30 AM। ऑल्दो सुबह नहीं खुल गई थी, थिंक अपन आसपास ही कहीं जाएंगे। देखो जोगी वाटरफॉल चलते हैं, वहाँ पे कुछ अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे, खाएंगे। बजट में कार वॉश का खर्चा भी डालना ही पड़ेगा, गंदी हो गई थी, मैंने कहा साफ़ करा लें। तो अपन लोग जा रहे हैं जुगनी वाटरफॉल, पैकिंग वैकिंग हो गई है, थोड़ा सामान ज़्यादा ले रखा हमने, लेट्स सी ऊपर कट ही जाएगा अगर ये सब यूज़ ना हुआ तो। वाटरफॉल चढ़ा जाता है यहाँ ऊपर, ये स्टीप ऊपर जाएगा एंड सेम हम नीचे मीटर। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं जोगनी वाटरफॉल, तो ये एक्चुअली जो दूसरा रास्ता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये रास्ता थोड़ा सा ना इधर से होके जाता है, ठीक है, जैसे कि आपको एक ट्रेल दिख रहा होगा, देखो 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 करके ये फॉरेस्ट में को होके जा रहा है, ठीक है। और एक रास्ता जिस पे हम चढ़ गए, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ से इसका ना व्यू सबसे अच्छा आता है जोगनी वाटरफॉल का, आपको दिखेगा बैक साइड पे है उधर सामने, वहाँ ऊपर से व्यू आ रहा होगा, वो व्यू है,
ठीक है। और कुछ लोग, कुछ होशियार लोग इधर चढ़ के कहीं पे जा रहे हैं, इधर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। सो बीच वाले होशियार हमें जो हमें जो हमें व्यू मिल गया, आराम से फोटो खींच रहे अपनी तरफ से। सो जो कि वाटरफॉल इज़ गुड, बढ़िया है नहाने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत अच्छा क्राउड है। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग हियर, बन गया है। अभी हो रहे हैं 2:10 और जोगनी वाटरफॉल हमने कर लिया है, ठीक है। 4 से मेरा ऑफिस है, तो अब यहाँ से हम अपने होटल जा रहे हैं, ठीक है। जोगनी वाटरफॉल बहुत बढ़िया है, वहाँ पे 2 रास्ते हैं जाने के, ठीक है। एक सिर्फ वाटरफॉल देखने के लिए और एक एक्चुअल में अगर आप नहाने वहाने जाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से। तो आप थोड़ा सा मतलब वहाँ पे इससे पूछ भी लोगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे है, क्योंकि हम भी भटक गए थे, हम दूसरे रास्ते गए, वहाँ से फोटोज़ वगैरह अच्छी आएंगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नहाने के लिए तो भाई एक ही रास्ता है जोगनी वाटरफॉल का। वाटरफॉल बढ़िया है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, ठीक है, मतलब बहुत एक्सट्रीमली ठंडा पानी था, तो और एक बार नहाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं थी और बहुत ही बढ़िया था। एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी वहाँ पे जो हुई हमारी, दैट हम जो इंडियंस हैं ना, हम रिस्क लेने से बहुत कतराते हैं। वहाँ पे एक आई थिंक रशियन फैमिली थी या मतलब कहीं मतलब फॉरेन फैमिली थी, ठीक है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे या बड़े कोई भी है, ठीक है, वो पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं भाई, वो ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे मतलब मैं भी कतरा रहा था जाने से। तो एक बड़ी ना वैसी सी चीज़ है ये। ओवरऑल जोगी वाटरफॉल इज़ अ नाइस प्लेस टू हैंग आउट, ठीक है। हमने वहाँ कैंपिंग करी और मतलब वहाँ पे अपना एकदम बढ़िया पुलाव उलाव बना के खाया, ठीक है, और नहा के आए तो पानी ठंडा था और मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यू शुड डेफिनेटली ट्राई व्हेन यू विजिट मनाली। और हाँ, पार्किंग वगैरह का मैं बताता हूँ बेसिकली कैसे है कि यहाँ पे, ठीक है, गूगल मैप पे ना आपको दिखाई भी देगा कि इट्स अ लास्ट पार्किंग ऐसे करके, तो आप मतलब उसके बाद आप आगे मत लेके जाओ गाड़ी, ठीक है, उससे पहले ही लगा लो, क्योंकि अंदर विलेज के अंदर में से भी आप आओगे ना तो मतलब वो नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन नहीं होगा और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, मतलब बहुत इजी है चढ़ाई, ठीक है। और जोगनी वाटरफॉल की भी चढ़ाई कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। हाँ, डिटोर ले लोगे, गलत रास्ता ले लोगे तो डेफिनेटली गलत है कि मतलब तब बहुत ज़्यादा है, लेकिन अदर देन दैट बहुत ईजी है। तो पार्किंग के लिए और एम्पल स्पेस है, आप आराम से आओ और पार्किंग आपको कई जगहों पे पेड पार्किंग होगी, 100 लेते हैं पार्किंग के, आप लगाओ और अपना जाओ, चिल करो। चलो होटल चल रहे हैं, बाकी बातें वहीं करेंगे। स्ट्रीट
थोड़ा दूर है। वो पीछे का वो हटा सकते थे तो हटा देते, ज़्यादा सही नहीं था। कोई ना, वन सेकंड इधर से आएगा। सो दिस इज़ फोर स्टेज ऑफ परफेक्ट रागी रोटी। ये पहली स्टेज है जब पहली बार डाल के यू नो बनाने की कोशिश की। ये काइंड ऑफ सेकेंड स्टेज है जब इस तरीके से बना था, ठीक है। ये थर्ड स्टेज है, थोड़ा परफेक्ट निकला। और ये फोर्थ स्टेज है कि चौथी बार में बिल्कुल एकदम परफेक्ट निकाला। फोर्थ स्टेज ऑफ ये तो दो दो रोटियाँ। तो बेसिकली नेचर वैली पार्क में आप बर्ड्स वगैरह देख सकते हो। और तीन मेल है, फीमेल एक भी नहीं है इसमें। ये रहा, ये वाली बर्ड थी अंदर, हिमालयन मोनाल। ओ हाँ, वो वाली जो बर्ड है हिमालयन मोनाल बोलते हैं इसको, मोनाल बेसिकली। सो ये है ब्लैक काइट, ये अंदर बैठी हुई है। ये रही, अब पिंजरे में तो इतना अच्छे से नहीं दिखेगा कैमरे में, बट वैसे बहुत अच्छा आता है, मेरी तरफ देख रही है। सो हम अभी नेचर वैली पार्क में मनाली के अंदर। ये बहुत अच्छा ट्रेल है, अभी थोड़ा ऑफ सीज़न है तो भीड़ भी नहीं है, और वैसे ही बहुत बहुत प्यारी जगह है। मतलब अंदर आप बहुत सुकून ईजिली, मतलब यहाँ रहो ना तो डेली यहाँ पर आप जॉगिंग के लिए आ सकते हो। बहुत बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारी जगह है, मज़ा आ जाएगा। मतलब फॉरेस्ट के बीच में अल्टीमेट जगह है। मतलब ये पहाड़ी पीकॉक है, कह सकते ना, पहाड़ी पीकॉक है। हेलो, मजे चल रहे। आज डिनर घर पे ना बना के, वी आर ट्राइंग द पहाड़ी रेस्टोरेंट रूफ टॉप रेस्ट्रो इन मनाली मॉल रोड। मॉल रोड का यहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है, कैन सी ये रहा पूरा मॉल रोड, ये रहा व्यू शाम का। हम डिनर कर रहे हैं, डिनर करने के लिए आए हैं, तो खाना देखते हैं कैसा है, जरूर बता दो कैसा। क्या खा रहे हैं मैम आप अभी? सेपू वड़ी। क्या होता है सेपू वड़ी? ये इन्होंने बताया कि उड़द के दाल का कुछ बनता है बड़ा, और ये पालक की ग्रेवी होती है। पालक डाल के ग्रेवी, मतलब आयरन रिच डिश है। खा के देखते हैं। अच्छी है, अलग है। कैसी अच्छी है? सेपू बड़ी। सो पहाड़ी रूफ टॉप कैफे, यहाँ पे अभी हमने डिनर किया था, और खाना बहुत ही लाजवाब था मैडम का तो स्पेशली। मस्त था, बढ़िया था। सो मस्ट ट्राई This cafe in Manali.